वेलकम। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि ARDL प्रोसेस फॉर कोइंटीग्रेशन क्या है। व्हाट इज ARDL कोइंटीग्रेशन, व्हाई डू वी नीड ARDL कोइंटीग्रेशन एंड हाउ कैन वी कैरी आउट ARDL कोइंटीग्रेशन। इससे पिछले वाली वीडियो में हमने देखा है कि कोइंटीग्रेशन क्या होती है, जोहेंसन कोइंटीग्रेशन प्रोसीजर क्या है। तो कोइंटीग्रेशन हमने कहा कि जी अगर आपके पास वेरिएबल्स जो है i1 हो और उनका लीनियर कॉम्बिनेशन i0 हो तो देर इज कोइंटीग्रेशन। बट अगर तीन वेरिएबल्स i1 है और एक i0 है तो देन जोहेंसन कोइंटीग्रेशन प्रोसीजर कैरी आउट नहीं किया जा सकता। तो पेसेरान, शीन एंड स्मिथ लोगों ने टेस्ट प्रपोज किया। उन्होंने कहा जी कि अगर कुछ वेरिएबल्स i1 हो, कुछ वेरिएबल्स i0 हो, इवन देन यू कैन टेस्ट फॉर कोइंटीग्रेशन। तो वो जो जॉइंट टेस्टिंग है वो वार्ड या एफ टेस्ट से होती है, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड नहीं होती। तो हमें क्रिटिकल वैल्यूज जिसमें फॉर लोअर बाउंड एंड फॉर अपर बाउंड जो है वो हम बूटस्ट्रैपिंग से या किसी और मेथड से लेते हैं। तो लोअर बाउंड क्या है कि इट इज अस्यूम के सारे वेरिएबल्स स्टेशनरी हैं, i0 हैं, और अपर बाउंड है के सारे वेरिएबल्स जो है वो i1 हैं। तो अब अगर आपके पास आपकी जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है वो लोअर बाउंड से नीचे आ जाए या अपर बाउंड से बाहर ऊपर चली जाए तो हम कहते हैं कि देर इज कोइंटीग्रेशन, नल हाइपोथेसिस ऑफ नो कोइंटीग्रेशन इज रिजेक्टेड। तो एडवांटेजेस जैसे मैंने कहा कि ये आपके पास मिक्सचर ऑफ स्टेशनरी एंड नॉन स्टेशनरी वेरिएबल्स पे अप्लाई किया जा सकता है, बहुत सिंपल टू इंप्लीमेंट है और इंटरप्रेट है, और डिफरेंट वेरिएबल्स की लेग लेंथ जो है वो डिफरेंट हो सकती हैं। वो हम नेक्स्ट वीडियो में जब स्टेटा और आर के थ्रू जोहेंसन कोइंटीग्रेशन एंजल ग्रेंजर करेंगे वहीं पे इसको ARDL कोइंटीग्रेशन भी कैरी करेंगे। तो सिंपल, पहले आपके पास एक इक्वेशन है। फर्स्ट स्टेप क्या है कि कोई भी वेरिएबल इनमें से i2 नहीं है। अगर ये नहीं है तो आप एक फॉलोइंग ये जो है फॉर्मुलेट द फॉलोइंग इक्वेशन, और यहाँ पे आपके पास जो कोएफिशिएंट्स हैं थेटा नॉट, थेटा वन, थेटा टू, थेटा थ्री, थेटा फोर इक्वल टू जीरो टेस्ट कीजिए। अगर आपका नल हाइपोथेसिस ऑफ नो कोइंटीग्रेशन इज रिजेक्टेड देन देर इज कोइंटीग्रेशन। तो अगला स्टेप क्या करना होगा कि आपको yt को डिपेंडेंट वेरिएबल को x1t, x2t, x3t, x4t यानी कि करंट वैल्यूज ऑफ एक्स वेरिएबल्स पे y को रिग्रेस कर दिया, यहां से आपको रेजिजुअल्स मिलेंगे। उन रेजिजुअल्स का जो लेग है दैट इज कॉल्ड zt-1, zt-1। तो ये देखिए ये आपके पास लेग है, तो डेल्टा, और ये आपके पास जो है डेल्टा yt को डेल्टा yt-i, x1 के लेग्स डिफरेंस फॉर्म में, x2 के लेग्स इन डिफरेंस फॉर्म में, x3 के लेग्स इन डिफरेंस फॉर्म में अगर ये नॉन स्टेशनरी हैं, और ये आपका लॉन्ग रन कोएफिशिएंट हो जाएगा, ये शॉर्ट रन हो जाएंगे। तो अब आप जो है वो इसको, दिस इज कॉल्ड एरर करेक्शन मैकेनिज्म। स्टेटा और आर में कैसे करना है तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप देखिए कि हम इसको कैसे कैरी आउट करते हैं, तीनों के तीनों टेस्ट फॉर कोइंटीग्रेशन कैसे कैरी करते हैं। Take care. Thank you for watching.